हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल इन द ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट आवर न्यू चैप्टर फ्रॉम हॉर्नबिल बुक। इट्स नेम इज लैंडस्केप ऑफ द सोल। ओके, एंड इट इज एक्सप्लेन नरेटेड बाय रिटन बाय नैदली ट्रावराय। आई हैव मेंशनड हियर सम डिटेल्स अबाउट द ऑथरेस। She was born on 2nd February 1975 in Argentina. Art historian and archaeologist. It means Natalie Trevelyan is art historian and archaeologist. She means Natalie Trevelyan is wife of Belgian ambassador to India. It means her husband was an ambassador who used to represent Belgium country in India. She, along with her friend, translated William Dalrymple's masterpiece on Delhi, City of Disease, in pictures. There are so many stories related to Delhi city, such as Chandni Chowk. There are so many names. All these stories are translated by Natalie Trevelyan. Most thing is that she did not translate all these stories self. She translated all these stories with help of her colleagues. Okay. Next thing is that when we enter into the chapter, there are some words have been mentioned on the above of the page. So I have described here all these words. Okay. Try to see and you can note down all these words in your copy. So let's start. First one, anecdote. It means an interesting event or an incident. It means not entire story. Okay, part of story, part of episode. Delicate realism. Next thing is that delicate realism. It means try to show anything as real through the art, a realistic painting or realistic drawing. It means किसी भी कला को, किसी भी painting को इस तरीके से दिखाना जैसे बिल्कुल सच में हो, जबकि सच ना हो, सच तो होगी नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा कि बिल्कुल लाइव चीज़ों को draw out किया गया है. Next thing, figurative painting. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीस ऑफ आर्ट और इमेजिनेशन. कल्पनाओं को कलाकारी के रूप में उतार देना. जो हमारी कल्पनाएं हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारे भाव हैं, जो हमारे विचार हैं, थिंकिंग है, नोशन है, आइडियाज़ है, व्यूज है, इन सब सारी चीज़ों को एक वॉल पे ड्रा आउट कर देना पेंटिंग के थ्रू. नेक्स्ट थिंग, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस. इट मीन्स इल्यूजनिस्टिक मीन्स विजनरी डिसेप्शन मीन्स आँखों का धोखा. इट इज सेड टू बी एज अ टेक्निक. एक तरीका, एक माध्यम, एक डिवाइस जिससे आप अंतर विभेद नहीं कर पाएंगे कि इस सच में है या झूठा है. मीन्स आँखों का धोखा हो जाना. नेक्स्ट थिंग, कॉन्सेप्चुअल स्पेस. लास्ट वर्ड वॉज देयर इन योर बुक. कॉन्सेप्चुअल स्पेस मीन्स थिंग विच इज इन योर थिंकिंग. इट मीन्स ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो आपकी सोच में हो. कॉन्सेप्ट और सेंस, आपके भाव में हो, आपके दिमाग में हो, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उस चीज़ को ड्रा आउट कर देना थ्रू द पेंटिंग्स और आर्ट. ओके, आई होप all of you have understood all these words. What is the sense of these words? What is the meaning of these words? Okay, so now come to the chapter and let's start. A wonderful tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. It means there was a renowned prominent painter, artist
हु यूज टू लिव इन द 8th सेंचुरी, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध नामी गिरामी कलाकार पेंटर था जो 8वीं शताब्दी में अपना जीवन यापन कर रहा था। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन बाई द टैंग एम्परर जुआनजोंग। इट मीन्स ही पेंटेड लास्ट टाइम एज पर द ऑर्डर ऑफ टैंग एम्परर जुआनजोंग। जुआनजोंग के आदेश के बाद उसने पैलेस की वॉल पे पेंटिंग किया, अपनी कलाकारी को उकेरने का प्रयास किया। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, राइट, द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। इट मीन्स इट वॉज फुल ऑफ वंडरफुल, इट वॉज फुल ऑफ अस्टनाइजमेंट, इट मीन्स इट वॉज वेरी स्प्लेंडेड एंड देर वॉज अ सीक्रेट, देर वॉज सम मिस्टीरियस थिंग दैट कैन बी सीन ओनली द एम्परर। नेक्स्ट थिंग, फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन। इट मीन्स नॉट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम एम्परर एडमायर्ड, एम्परर अप्रिशिएटेड टू दैट आर्ट, टू दैट पेंटिंग, राइट। वॉट एवर वॉज पेंटेड देयर, लिसन केयरफुली, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटर फॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एंड इमेंस स्काई, मेन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट, ऑल दीज थिंग्स वर क्रिएटेड ऑन द पैलेस वॉल। मीन्स घने जंगल बनाए गए थे, अनंत आकाश बनाए गए थे, उड़ती हुई चिड़िया बनाई गई थी, पक्षियाँ बनाई गई थी, वाटरफॉल्स झरने बनाए गए थे, इस तरीके की पर्वत पठार, इस तरीके के पूरे प्राकृतिक दृश्य को महल की दीवारों पर डिस्प्ले किया गया था। इट मीन्स इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव लुक सर, सेड द पेंटर आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क। द पेंटर सेड टू द एम्परर, लुक सर, द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, द इनसाइड इज स्प्लेंडेड। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ एग्जीबिशन, at the time of display the art, at the time of display the painting, the painter clapped his hands and after clapping inside it was a very splendid scene, it was very splendid scene, it was very wonderful, full of astonished scene, beyond anything words can convey, please let me show your majesty the way. Without uttering any word, without conveying a single word, single sentence, the painter entered the cave, but the entrance closed behind him. First of all, जो painter था, जो कलाकार था, उसने क्या किया, जब अपने art को, अपने painting को exhibit करने गया तो सबसे पहले उसने क्लैपिंग किया, ताली बजाया। जैसे ही ताली बजाया तो वहाँ पे बिल्कुल एज ए लाइव जो केव था, जो डेन था, जो गुफा था, वो ओपन हो गया। और ओपन होने के बाद वो कलाकार अंदर एंट्री कर जाता है, प्रवेश कर जाता है उस गुफा में, राइट। एंड द एम्परर कुड नॉट मूव आर अटर अ वर्ड, Emperor did not understand the thing what he had to do. He did not utter a word. He did not do anything. He was unable to understand what is going on with me, what I have to do now. Emperor समझ नहीं सका कि अब मुझे क्या करना है। अब तो ये उड़ाओ जी अंदर चले गए, गुफा में चले गए। The painting had vanished from the wall. When U Dao Ji, it means the painter, artist, entered into the cave, entered into inside of the paintings, at once all the paintings was vanished.
It means there was not a single pen, there was not a single dot left. Not a trace of wood or his brush was left, just I told you. And the artist was never seen again in this world. And it is believed that from that period of time, from that time, Wu Daozi was not seen again. It means the paintings and the artist have gone forever. Here is a sense that what the narrator want to say to all of us. It means a king or an emperor can play his rule and regulations on the entire earth. But the way to go inside is can be displayed, can be shown only by the artist. Sense is that जो राजा होते हैं, जो सम्राट होते हैं, वो पूरे लैंड पे, पूरे जमीन पे अपना शासन प्रशासन करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर का रास्ता दिखाने का कार्य है वो सिर्फ एक कलाकार कर सकता है, वो एक पेंटर कर सकता है, वो आर्टिस्ट कर सकता है, जैसा कि आप लोगों ने इस पैराग्राफ में देखा. इट मीन्स अंदर का रास्ता का मतलब स्व को समझ लेना, राइट, स्व को समझ लेना, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ. नेक्स्ट थिंग इज दैट थ्रू आउट दिस पैराग्राफ द नरेटर ट्राई टू कन्वे अस देर आर टू टाइप ऑफ वर्ल्ड. इट मीन्स इनर वर्ल्ड वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड. इनर वर्ल्ड मीन्स इट मीन्स टू लीव everything such as buildings, vehicles, money, all these things. If we leave all these things, it means we are trying to go inside. Okay, I hope you understood well. Now come to the next para. Such stories played an important part in China's classical education. Such type of stories, these type of stories plays an important role. Plays an important role in the classical education of China. Next thing, the books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. It means, first thing, Confucius and Zhuangzi are the Chinese philosopher. वो Chinese दार्शनिक थे, philosopher थे, right? And what is the sense of anecdote? I have written here, an interesting event or an incident. They help the master to guide his disciple in the right direction. It means throughout these kind of story, the children get motivated, the children get education, the children get inspiration, what they have to do, in which direction they have to go. They are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Contrast this story or another famous one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted. It means here is a contrast. It means I am going to tell another part of a story that is different from before story, previous story, whatever we studied just now. Painter who would not draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. It means there was a painter who had a fear that if I draw an eye on the figure of dragon, it will fly away.
हियर द नरेटर नरेटर ट्राई टू एक्सप्लेन अनदर इवेंट अनदर इंसिडेंट दैट देयर वाज एन आर्टिस्ट, एक कलाकार था, एक पेंटर था, वो ड्रैगन की आंखों को नहीं बनाना चाहता था। उसको इस बात से भय था कि जब इसकी आंखों को ड्रा कर दिया जाएगा तो ये उड़ जाएगा। इट मीन्स द आर्टिस्ट पेंटर्स वर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, दे वर वेरी श्योर दैट व्हाट दे आर डूइंग। ओके, आई होप द पैराग्राफ इज क्लियर। इफ इट इज नॉट क्लियर, इफ इट इज एनी डाउट, यू कैन आस्क मी and the group, or you can leave a comment in the comment box. In the 15th century, Andre, a master blacksmith called Quentin Metsys, fell in love with a painter's daughter. In the 15th century, there was a blacksmith and his name was Quentin Metsys, fell in love with a painter's daughter, right? The father would not accept a son-in-law in such a profession, and it was pondered that the painter, renowned painter, will not accept Quentin Metsys as a son-in-law because he was a renowned and it is blacksmith. He is a blacksmith. So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel. After conclusion, Quentin Metsys tried to enter into the studio of painter because he loved so much to his daughter, painter's daughter. So he entered into the studio of painter and draw a figure of fly on the latest panel. हाल ही में पेंटर ने जो ड्राइंग किया हुआ था, जो चित्रकारी किया हुआ था, उस स्टूडियो में ब्लैक स्मिथ एंटर किया चुपके से और जा करके उस कलाकारी में एक एडिंग कर दिया, वहाँ पर एक फ्लाई का फिगर ड्रॉ कर दिया, राइट। नेक्स्ट थिंग इज दैट, सो क्वेंटिन इज ओके विद सच डेलिकेट रियलिज्म, आई हैव रिटन हियर, ट्राई टू शो एनीथिंग एज रियल, इतना बेहतर बना दिया वो कि बिल्कुल सच में वो फ्लाई दिख रही थी, बिल्कुल सच में वो मक्खी बनी हुई दिख रही थी कि वो अभी उसको उड़ा दिया जाएगा तो वो उड़ जाएगी। इट मीन्स द आर्ट वॉज वेरी फुल ऑफ ड्रॉन देयर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव, इट वॉज वेरी स्प्लेंडरी। So that, after that, master tried to sweat, means kill, hunt करना, उसको दूर भगाना, मार देना, मक्खी को वो हटाना चाहा, sweat करना चाहा, before he realized what had happened. It means, what is the reality behind this art, behind this painting, behind this fly? The painter tried to sweat it, but it could not. ये तो सच में मक्खी तो थी नहीं, but ये सच में दिख रही थी। Quentin was immediately admitted as an apprentice into the studio. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. After that, by the attraction of brilliantness, by the attraction of paintings, skilled painting, the painter called the blacksmith and accept him in his studio as apprentice. Painter बहुत प्रभावित हुआ उसकी कलाकारी से, प्रभावित होकर के उस blacksmith को, it means Quentin Metsys को अपने स्टूडियो में बुलाया और apprentice के रूप में, एक सहायक के रूप में अपने स्टूडियो में उसे रख लिया। By this way, and after some time, the painter accepted him as a son-in-law. So that we can say Quentin Metsys get success to find out
to find his beloved and got married. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. Just we study two stories. A perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. It means the essence of inner life. What is the inner life and what is the sense of Asian artist, Asian painter, and what is the sense of European painter and artist, just we realized. I hope you understood, and I am going to finish this paragraph. Is there any doubt to anyone? Please ask me. It's okay. I hope you understood all these paragraphs very well. If there is any doubt, you can ask more and more, and we will discuss this chapter more in another episode. Thank you for watching this video. Have a nice day.